अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मिलास्मा ट्राई मिलास्मा क्रीम के बारे में कि ये कैसी क्रीम है और ये कैसे काम करती है। बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये किस तरह की है, किस तरह से काम करती है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। ये ट्राई मेरा क्रीम एन एडवांस फार्मूला टू रिड्यूस मिलास्मा फ्रैकल डार्क स्पॉट्स मेलानिन पिगमेंटेशन इवन टोन स्किन, ये सारा कुछ इससे ठीक हो जाता है। इवन के वाइटनिंग भी आती है इस क्रीम से। ये क्रीम बहुत अच्छी है और आपको इतनी कम कीमत में इतनी अच्छी क्रीम मिल रही है। तो आज मैं बताऊँगी आपको ये क्रीम कैसी है। ये क्रीम वाकई ही बहुत अच्छी है। जो ये यूज़ कर रही थी उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। पहले उनसे मिली कुछ टाइम पहले तो उनका फेस बाकी बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या यूज़ कर रही हो जो आपने आपका फेस इतना सही हो गया, आपको इतनी ज़्यादा छाइयाँ थी, पिगमेंटेशन थी। तो उन्होंने मुझे इस क्रीम के बारे में बताया कि ये क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ और इसके इस्तेमाल से वाकई ही कहती कि मैंने लगाना स्टार्ट किया तो एक वीक के अंदर ही, इस पर तो लिखा है कि 2 वीक में आपको रिज़ल्ट मिलेगा, पर एक वीक के अंदर उन्होंने कहा कि मेरी ये जो छाइयाँ हैं बहुत लाइटअप होने लगी। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैंने ये यूज़ कर रही थी क्रीम, लगाना शुरू की जिस तरह लिखा था मैं इस तरह लगाई। मैंने तो डे टाइम, कहती कि डे में जैसे मैं रूम में होती थी तो उन्होंने उसमें भी उन्होंने लगाना शुरू की, लगा के छोड़ देती थी, मसाज नहीं किया। जिस जगह पर उनको ज़्यादा पिगमेंट थे उन्होंने एक एरिया पर उस तरह लगा के छोड़ा, तो उनकी ना स्किन थोड़ी पील होने लगी। कहती जैसे वो मैल सा स्किन पे हो जाता है तो हमारी स्किन उतरती है, तो कहती इस तरह से यानी उतरने लग गई। और जो है ना, फिर मैं जहाँ जहाँ मुझे छाइयाँ थी उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ वहाँ पे ये अप्लाई की और 2 वीक में 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कहा कि यानी कि इस तरह से मेरी उनकी पिगमेंटेशन हो गई, जैसे कि थी ही नहीं, हल्की सी परछाई सी उनको नज़र आ रही थी, बाकी थी ही नहीं। लेकिन अब जब मैंने उनको देखा, उन्होंने यूज़ करते हुए उनको काफ़ी टाइम हो गया है, तो उन्होंने कहा कि मैं यही अब तो मैं पूरे फेस पे यूज़ कर रही हूँ और पूरा फेस ही उनका वाइट हो गया है, ग्लोइंग और शाइनिंग। तो उन्होंने कहा कि इसको लगाने के बाद अब तक मेरी स्किन पे दोबारा यानी पिगमेंटेशन वापसी भी नहीं आई है और जो है सारी साफ़ भी हो गई है। तो ये बहुत अच्छी क्रीम है और यानी कि वाइटनिंग भी है। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको इस पर रिव्यू दूँ, तो मैंने बाय की और मैंने स्टार्ट की लगाना फेस पे अपने। तो वाकई ये लगाने से यानी वाइटनिंग का तो है कि इसमें वाइटनिंग है, वाइटनिंग आ रही है। बाकी स्पॉट्स का जो मेरे स्पॉट्स चाहिए नहीं है, लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम है उसके लिए भी मैंने कहा ट्राई करूँ, तो मैं ट्राई कर रही हूँ, तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। लेकिन वो तो मेरी आंखों देखा है कि मैंने उनको देखा कि वाकई उनका फेस बिल्कुल ही ठीक हो गया। उनकी एज भी 40+ है जिनके बारे में आपसे बात करी हूँ, उन अगर वो ऐसे लोग लगाएंगे तो इससे होता है कि एज पे हो जाता है कि नहीं जा रहे स्पॉट्स, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह उनके स्पॉट्स जो है जा चुके हैं और उन्होंने ये क्रीम यूज़ की और उनका कलर भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो मेरे नज़र में ये क्रीम वाकई ही बहुत अच्छी है, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फेयरनेस के लिए। तो मैं आपको बताऊँगी कि क्रीम कैसी है, तो यानी कि यूज़ करके आपको फिर दूसरी वीडियो में ज़रूर इंशाल्लाह बताऊँगी कि ये काम मुझ पर वर्क किया कि नहीं, क्योंकि ये क्रीम वाकई ही बहुत अच्छी है, डॉक्टर रोमियो की कंपनी की। मैंने दूसरी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, सोप भी इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं सोप पे भी आपको रिव्यू दूँगी। तो और मैंने दूसरा एक स्क्रब भी इनका यूज़ किया है, बॉडी स्क्रब जो होता है वो भी बहुत अच्छा है, पर इस क्रीम के बारे में मैंने यूज़ नहीं की थी तो नहीं मालूम था, लेकिन जिन्होंने यूज़ की है उनको मैंने देख के वाकई ही बहुत अच्छी क्रीम है। उन्होंने मुझे दिखाया कि वो 3 यानी कि यूज़ कर चुकी हैं और अब तक क्या थी कि वक्त वक्त से यूज़ करती रहती हूँ, ये नहीं कि रूटीन में यानी कि रोज़ ही लगाना है, अब उनका फेस ठीक हो गया है तो वो यानी कि जैसे 1-2 दिन छोड़ के उन्होंने कहा कि अब मैं यूज़ कर लेती हूँ, या कभी कभी सर्दियों में तो ज़्यादा, बाकी गर्मियों में गई थी कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार मैं यूज़ कर रही हूँ कि पिगमेंटेशन जैसे कि बिल्कुल जा चुकी है बट कि वापसी ना आए, इस वजह से उन्होंने कहा कि मुझे रास आई है। तो फिर भी मैंने उनको ये मशवरा दिया कि आप इतनी ज़्यादा यूज़ ना करें तो बेहतर है कि आधी ना हो जाए इस चीज़ की, कि अगर लगाएंगे तो ठीक रहेगा नहीं तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी इस तरह नहीं लगाती, मैंने भी यही कर रही हूँ कि जैसे हफ्ते में 1 या 2 बार यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी क्रीम है और इसके मैंने और वीडियोज़ भी देखी हैं यूट्यूब पर, तो वाकई सब बोलते हैं कि बहुत अच्छी है, वाकई ही अच्छी है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन छाइयों का या एक्ने स्पॉट्स का, तो ये क्रीम ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी है। रात को फेस वॉश करके आपने साफ कर लिया है या क्लींजिंग कर लिया, क्लींजिंग के बाद जो है ना आपने ये जहाँ पे अगर पहले स्टार्ट करें कि अगर आपको रास आती है कि नहीं, थोड़ी सी अमाउंट लेके
आपने सिर्फ जहाँ पे आपका दाग है उस जगह पे हल्का सा मसाज करके छोड़ देना है। अगर आपको कोई इससे इरिटेशन या कुछ नहीं होता तो आप लगा सकती हैं, फुल फेस पे भी लगा सकती हैं, और सिर्फ आपका जो एरिया ख़राब हुआ हुआ है आप उस पर भी लगा सकती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।